दूसरों की खुशियाँ। भगवान के नाम पे कुछ खाने को दे दो बेटा, बहुत भूख लगी है। मैं खाना बना रही हूँ, आप बाहर पेड़ के नीचे छाँव में बैठ जाइए। अरे आ गए आप। पापा आ गए। जल्दी से खाना ले आओ, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। जी अभी लीजिए। ये लीजिए, आप भी खाना खा लीजिए, साथ में अचार भी है, कुछ और चाहिए होगा तो ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, हमारी भी कोई जिंदगी है, उसे देखो, अपना खेत है, अपना घर, बीवी बच्चे भी, असली जिंदगी तो यही है। हमारा बैल अब बूढ़ा और बीमार हो चुका है, उसके सहारे आप खेत नहीं जोत सकते। मैं सोच रहा था कि नया बैल खरीद ले। नए बैल के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं आज महाजन से बात करके देखता हूँ, अगर वो कुछ पैसे सूद पर दे देगा तो काम बन जाएगा। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। वैसे तो मैं 70% ब्याज देता हूँ, लेकिन तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं तुम्हें 50% ब्याज पर दूंगा, चलेगा? ठीक है महाजन साहब, लेकिन मैं अभी कुछ गिरवी नहीं रख सकता। अरे कोई बात नहीं, दोस्ती में मैं इतना भरोसा तो कर ही सकता हूँ, और वैसे भी तू कौन सा कहीं भागा जा रहा है। मैं चलता हूँ, राम राम। ठीक है, और जरूरत होगी तो बता देना। जी शुक्रिया। किस्मत हो तो महाजन साहब जैसी, आज हमारे पास 5 रुपए भी नगद नहीं है, और महाजन को देखो, सैकड़ों रुपए उसकी तिजोरी में पड़े थे। असली जिंदगी तो महाजन साहब की ही है, हम तो बस जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं अपना। दुकान का ध्यान रखना, मैं काम से सेठ के यहाँ जा रहा हूँ। सेठ, दुकान पर कपड़े का माल खत्म हो गया है, कुछ माल उधार मिल जाए तो अगले महीने मैं सारा उधार चुका दूंगा। हाँ हाँ ले जाओ, लेकिन याद रहे अगले महीने पैसे बिना मांगे मुझ तक पहुँच जाने चाहिए। आपको पहले कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, इस बार भी नहीं दूंगा। इसीलिए तो मैं तुझे उधार दे देता हूँ, नहीं तो वो देख साफ साफ लिखा है उधार बंद है। आपका माल पोटली में बांध दिया है। ठीक है। अच्छा सेठ जी, राम राम, चलता हूँ। जिंदगी हो तो सेठ जैसी, गले पर बैठे बैठे लाखों का मुनाफा, इधर हमारे पास 1-2 हजार क्या जुड़े, गांव में महाजन कहलाने लगे, हमारी भी कोई जिंदगी है। सेठ, आज आपको 5 बजे लाट साहब के घर जाना था, घोड़ा गाड़ी तैयार करवा दूं? हाँ मैं अभी जाके तैयार होकर आता हूँ। आओ आओ सेठ, और कारोबार कैसा है? 5 लाख के नुकसान का तार मिला है, बहुत परेशानी है अभी। ओह, चलो तुम बैठो, मैं बाकी मेहमानों से मिलकर तुमसे इस बारे में बात करता हूँ। जी देखो, मेरी 2 मील इस महीने बंद होने वाली है, 3री मील पर भी मजदूरों की हड़ताल के चलते तलवार लटक रही है। तुम 5 लाख के नुकसान से दुखी हो, मेरा करोड़ों का नुकसान हो चुका है, हो सके तो जो बकाया है उसका जल्दी हिसाब करवा देना। ठीक है, मैं 1-2 महीने में सारा हिसाब करवा दूंगा, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। राम राम। राम राम। एक मैं हूँ जो मात्र 5 लाख के घाटे से घबरा बैठा, और एक लाट साहब है जो करोड़ों के घाटे के बावजूद अपने बंगले में इतनी शानदार दावतें रखे हैं। जिंदगी हो तो लाट साहब जैसी, हम तो बस ऐसे ही गुजारा भत्ता चला रहे हैं। लाट साहब, हमारी 3री मील भी बंद हो गई। क्या? लाट साहब, कोई हकीम को बुलाओ जल्दी। वो देखो,
कितनी मस्ती से चलते हुए जा रहा है। उसे ना पैसों की चिंता है, ना घर की और ना ही अपनी शान शौकत की। ठंड लगेगी तो कपड़ा मांग लेगा, भूख लगेगी तो रोटी मांग लेगा। ना कल की चिंता ना आज की, हमसे ज्यादा सुखी तो यह भिखारी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की खुशियां नजर आती हैं, उन खुशियों के पीछे मौजूद दुख और परेशानियां हमें नहीं दिखती। हमें अपनी जिंदगी से खुश रहना चाहिए, यही एक सुखी जीवन का मूल मंत्र है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।